रुको 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 पीछे हो गए बाबा के साथ खड़े हो जाओ बाबा के साथ चलो बाबा चुको सही है ना <coughs> <न्मेरे> चुके <laughs> 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 चलो जी अल्लाह हाफिज बाय बाय कपड़े सही कर लो चलो जी <laughs> अल्लाह हाफि यहाँ पे जी बा एक जैसे कपड़े पहन के जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए हैं और ये वही कुर्ता जो मैंने अपनी वीडियो में अपने में साथ शेयर किया था मैंने कहा था ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी पहने हुए कैसा लग रहा है फैमिली कैसे हैं आप सब ईद है आप सब ठीक होंगे खुश होंगे तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जहाँ कहीं भी हैं तो आज दोबारा से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुर्ता डिजाइनिंग जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे से बहुत मेहनत से डिज़ाइनिंग की है सिर्फ आप लोगों के लिए तो मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना है कि मैं कैसे डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ और आप लोगों को कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है ठीक है और कमेंट में और लाइक करने में तो आप बहुत ज़्यादा कंजूस हैं <laughs> लेकिन खैर है आप वीडियो को बहुत पसंद करते हैं तो अभी मैं आपको वन बाय वन करके दिखाना स्टार्ट करती हूँ ठीक है ये क्या गिरा हुआ है ओवरलॉक कैया था ना तो उसका धागा है अच्छा जी चलें अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आपको दिखाना आज मैं आपको डिटेल भी बताऊंगी कि कैसे मैंने डिज़ाइन बनाया है क्योंकि मैं स्टिचिंग तो नहीं दिखा सकती मुझे दिखाना बहुत मुश्किल लगती है और क्योंकि मैं जैसे प्रॉपर समझाती है ना मुझे इस तरह से समझाना नहीं आता तो खैर मैं वैसे ही समझा देती हूँ आप लोगों को जिसको नहीं पता कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि डिज़ाइन देखते ही कॉपी कर लेते हैं अच्छा कुछ जो मेरे जैसे होते हैं जिनको जो उसकी वीडियो की ज़रूरत होती है एनी अच्छा ये मैंने क्या किया था यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं चैपी की बना के पट्टी ब्लू कलर की ठीक है दोनों तरफ मैंने कपड़े के ऊपर सिलाई लगाई थी फिर मैंने ये लगाया था पहले ये पट्टी लगाई थी उसके बाद मैंने ये वाली जो होती है मेन पट्टी ये बनाई थी ठीक है और उसके बाद फिर मैंने ये सिलाइयाँ लगाई थी ऐसे ये आपको नज़र भी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी सी चौक के निशान ऐसे मैंने एक वो लगा ली थी लाइन लगा ली थी फिर मैंने इस तरह से मतलब उस लाइन के ऊपर ऊपर ही तक रखा था मतलब आगे तक नहीं है इसलिए मैंने इतनी स्पेस रखी थी कि यहाँ तक ही हमारी जो लाइन आएगी तो इसलिए फिर मैंने इतनी छोटी सी आ, क्या कहते हैं सिंपल सा मैंने डिज़ाइन बनाया बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा मुझे खुद भी नहीं अच्छे लगते ओवर लगते हैं अगर ये डिज़ाइनिंग मतलब ऐसे भी की जाए इस तरफ भी की जाए अच्छी तो खैर लगेगी लेकिन थोड़ी ओवर हो जाएगी क्योंकि लड़कों के थोड़ी डिसेंट सी डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है अच्छा तो ये बैन पे उन्होंने लगा दिया मैंने काज करवाने के लिए भेजा अपने हस्बैंड को तो उन्होंने माशाल्लाह से बैन पे भी करवा लिया मुझे नहीं पता इस पर होता है या नहीं होता है लेकिन मुझे खैर बिल्कुल भी, भी अच्छा नहीं लग रहा और जो बटन लेके आए वो बाबियों वाले बटन लेके आए बा <laughs> और मुझे बिल्कुल भी, भी पसंद नहीं आए ये बटन ना मेरी जो सिस्टर लगाती होती थी ना वो बटन बड़े प्यारे होते थे फैंसी फैंसी और आज जितने भी है सब बाबे वाले हैं खैर मैंने लगा लिया मैंने कहा वीडियो शूट करनी है तो ये वाली जो बनाई हुई है मैंने पट्टी ये भी बहुत सिंपल से न, सिंपल सी है मैंने पहले आपको अपनी वीडियो में एक दिखाई है जो ब्लैक कलर का कुर्ता है ना उसमें स्टिचिंग शेयर की है तो उसमें यह दिखाई गई है तो वैसे आप वो देख सकते हैं ठीक है ये पट्टी कैसे बनाई है तो बाकी इसके ऊपर और कोई डिज़ाइनिंग नहीं है जिसने स्क्रीन शॉट लेना ले लें और ये जो सिलाई है जो आम धागा होता है ना सिलाई वाला उसी से मैंने लगाई है नीचे चैपी लगा के अगर हम चैपी वगैरह नीचे लगाएंगे थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी ठीक है तो नीचे चैपी लगाई हुई है और तीन चार बार मैंने इस तरह से मशीन गुजारी ठीक है थीके? अब नेक्स्ट देख लेते हैं यही देख लेते हैं वाला अच्छा तो ये वाला है ये बिल्कुल मैंने सिंपल रखा है क्योंकि इसका जो स्टफ था ना धागे अभी तक लगे हुए हैं अच्छा इस तरह से था थोड़ा डिजाइनिंग वाला ना तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर कोई भी डिजाइनिंग ना की जाए क्योंकि इसका स्टफ कुछ इस तरह से है सिंपल सा लगेगा कुर्ता ज्यादा अच्छा लगेगा और दूसरा ये मैंने इसके ऊपर बैन लगाना था लेकिन इसका थोड़ा स्टफ कम था तो इसलिए फिर मैंने ऐसे ही मतलब गोल गला रख के और ये पाइपिंग दे दी अच्छा ये मैंने और तरीके से बनाई है वो और तरीके से बनाई थी ये ये तरीका थोड़ा मुश्किल है और इसके जो स्लीव्स हाफ हैं ये देखें तो इस तरह से मैंने पाइपिंग दे दी है बाकी सिंपल है और इसके बटन भी देख लें आप <laughs> मैंने कहा था तो दो कलर की और मैचिंग के तो अच्छे लगेंगे तो खैर छोड़ें तो अब ये वाला देख लें अच्छा तो अब ये वाला देख लेते हैं इसकी इसका गोल गला है छोटा सा है नागे से इतना ना मतलब छोटा सा इतना मैंने रखा है कि सर इजीली बच्चे का गुजर जाए और एक साइड पे डिज़ाइनिंग की है ठीक है इस तरह से जो एंकर का धागा होता है ना उससे नीचे हमने चैपी लगा ली थी <स्थाँगा> पहले मैंने ये पाइपिंग की थी चेक वाला जो कपड़ा होता है उससे मैंने ये पाइपिंग की थी उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइनिंग कर ली थी ठीक है एंकर का जो धागा होता है वो नीचे चैपी लगाई थी उसके बाद ये जो होते हैं लूप्स नहीं बनाए थे मैंने थोड़े से मोटे रख के किए थे मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ एक मिनट ये मुझे ज्यादा अच्छे लगे थे मतलब इस तरह से करके ना इस तरह से थोड़ी सी मोटी रख के तो ये मैंने कर दिया और इसके नीचे कपड़ा लगा के खैर इसको न, तो मैंने बंद कर दिया ये खुलेगा नहीं और बस ये जस्ट वैसे ही डिजाइनिंग की है हमने ना मतलब ये खुलेगा नहीं यहाँ से ऐसे बंद है और ये बस इस तरह से साइड पे डिज़ाइनिंग की है और इसकी स्लीव्स में भी इस तरह से मैंने थोड़ी पाइपिंग दे दी थी और बाकी ये ना शर्ट बनाई है मैंने <laughs> कुर्ता टाइप शर्ट बनाई है पेंट के साथ इस तरह से तो ये वाली जब शर्ट पहनाऊंगी तब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी ठीक है बस ये इसके ऊपर डिजाइनिंग थी और ये डिज़ाइनिंग बहुत सबसे ज़्यादा ये पसंद आई जितनी भी मैंने की है ना सबसे ज़्यादा सबको यही पसंद आई है डिज़ाइनिंग और ये पहने भी बहुत अच्छा लग रहा था अब लास्ट देख लेते हैं हम ये देख लिया हाँ नहीं ये रहता है अच्छा चलें अब हम ये वाला देख लेते हैं ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा था इसके बटनों पे भी बड़ी खच खच मारी है मैंने कहा था टीच बटन लगवाने हैं तो फिर काज करवा के ले आए और बटन खाए मैंने फिर सिंपल से बटन तो खैर ऐसे लगा दिया मैंने कहा चलो छोड़ो ना, ये वाली डिजाइनिंग मैंने कैसे की है ये मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेपी लगाई थी ठीक है सबसे पहले यहाँ पे मैंने हल्का सा ड्रॉ किया था और इस तरह से ये लाइनें लगाई थी डबल लाइने ये लगाई थी ये ये मैंने सिंपल धागे से लगाई है जब ये मैंने लगाई थी ना लाइने तब मेरी मशीन चल नहीं रही थी तो फिर मैंने ये सादा जो सिलाई वाला होता है ना धागा मैंने उसी के साथ ही लगा ली थी ठीक है उसके बाद मैंने क्या किया था उसके बाद ये पट्टी शट्टी जो बना ली इसके ऊपर भी डबल सिलाई की है ठीक है बैन के ऊपर भी डबल सिलाई की है येलो कलर का कर धागा फिर ये पॉकटें बना के लगा ली हैं ये बिल्कुल साथ अटैच की गई है ठीक है तो बस सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला और इसके हाफ स्लीव्स स्लीव्स पे भी इस तरह से पट्टी ये अभी तक धागा नज़र आ रहा है अच्छा इस तरह से डबल सिलाई कर ली है ठीक है बस ये इस तरह से तो ये दोनों साइड पे हमने डिज़ाइन अच्छा इसको हमने चाक तक रखा है ठीक है यहाँ से इस तरफ यहाँ से लेके लेके यहाँ तक मैंने चौक तक ये डिजाइनिंग जो है ना वो रखी है तो ये बहुत अच्छी लग रही है ये जिसने स्क्रीन शॉट लेना है वो ले लें ठीक है अच्छा जी तो ये थे मेरे सारे डिज़ाइन और आप लोग ने मुझे बताना है कि कैसे लगे हैं और मजीद आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा और चलती हूँ मैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनशाला जो नेक्स्ट वीडियो वो एक हफ्ते तक आ जाए करेगी और कोशिश करूँगी मैं कुर्ता डिज़ाइन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और ईद से पहले पहले एक दो वीडियो लाजमी मैं शेयर करूँगी तो इसके साथ इसलिए फिर आप लोगों को करना है कि मेरे मेरे चैनल पर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए तो फिर आप लोगों को मेरा साथ देना होगा मेरी वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए तो फिर मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी तो अब आप दे मुझे इजाज़त पहले भी मुझे काफ़ी लोगों ने बोल दिया है कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं तो इसलिए मैं कम बोलना चाह रही हूँ मुझे दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह तब तो तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखना अल्लाह हाफिज़